आज का क्वेश्चन है, यूज नोडल मेथड टू फाइंड करेंट इन द ब्रांच ए बी। हम लोगों को ब्रांच ए और बी में जो कि 5 ओम रेजिस्टेंस है उसमें नोडल मेथड का यूज़ करके करेंट की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो आइए हम लोग ब्रांच ए बी पे हम लोग क्या करेंगे, जो कि 5 ओम रेजिस्टेंस है उसमें करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। इस क्वेश्चन को नोडल एनालिसिस से सॉल्व करेंगे। नोडल एनालिसिस से सॉल्व करने से पहले हम लोगों को क्वेश्चन में क्या पता होना चाहिए, नोड पता होना चाहिए। तो नोड का डेफिनेशन है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट या नेटवर्क में जहाँ पर दो या दो से अधिक, यहाँ पर कितना, एक 10 ओम, दूसरा 10 ओम और एक 5 ओम, तो यहाँ पर दो से अधिक सर्किट एलिमेंट कनेक्ट हुए तो यह हमारा क्या कहलाएगा, नोड ए। और यहाँ पर देखते हैं एक 5 ओम, एक और 5 ओम और एक 12 एम्पियर का करंट सोर्स, तो यहाँ पर दो या दो से अधिक सर्किट एलिमेंट कनेक्ट हो गए तो ये क्या हो गया, नोड बी। और एक और जगह देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नोड सी, यहाँ पर 10 ओम, यहाँ पर 5 ओम, 12 ओम, 30 वोल्ट का बैटरी सोर्स, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, नोड सी। तो आप लोगों को नोड पता चल गया होगा इस सर्किट में। नंबर ऑफ नोड इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड इज इक्वल टू 3। कौन कौन से, ए बी और सी। अब इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन की आवश्यकता होगी, नंबर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड माइनस 1, तो 3 माइनस 1। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को दो इक्वेशन मिलेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नोड सी को ग्राउंड कर देंगे। तो ग्राउंड करने से नोड सी का वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ग्राउंड करने से नोड सी का वोल्टेज 0 हो जाएगा, इसके पहले मैं अपने वीडियो में शेयर कर चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और एक और लिंक शेयर करूँगा जिससे आपको नोडल एनालिसिस समझने में आसानी होगी, तो प्लीज़ उस लिंक को देखें ताकि इस क्वेश्चन को और आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो अब आइए हम लोग नोडल इक्वेशन लिखते हैं, कहाँ कहाँ के लिए, नोड ए के लिए और नोड बी के लिए। जब हम लोग नोड ए के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पर का वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी ए, और पॉइंट बी या नोड बी का वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी बी। जब कभी भी वी ए के लिए या नोड ए के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो सबसे बड़ा वोल्टेज कौन सा हो जाएगा, वी ए हो जाएगा, किसके कंपैरिजन में, वी बी के कंपैरिजन में। तो सभी करंट कहाँ से निकलेंगे, पॉइंट ए से निकलेगा, और सभी ब्रांच में मैंने करंट का डायरेक्शन बना लिया है, तो जो कि पॉइंट ए से क्या है, आउटगोइंग है। अब आगे देखते हैं इक्वेशन फॉर नोड ए। इक्वेशन फॉर नोड ए लिखने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कॉपी में इक्वल साइन बना लूँगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड है सभी आउटगोइंग ब्रांच को लिखूंगा, और राइट हैंड साइड सभी इनकमिंग ब्रांच वाले करंट को लिखूंगा। तो अब आइए लिखते हैं इस 5 ओम वाले रेजिस्टेंस के लिए जो कि नोड ए और नोड बी के बीच में कनेक्ट है। लिख सकते हैं कहां से कहां के बीच में कनेक्ट है, ए से बी, और करंट का डायरेक्शन कैसे है, आउटगोइंग। तो लिखेंगे वी ए माइनस वी बी अपॉन
5। फिर अगला ब्रांच के लिए देखेंगे, 10 ओम के लिए, यह भी आउटगोइंग है जो कि नोड ए और ग्राउंड के बीच में कनेक्ट है, तो कैसा होगा, VA माइनस 0 अपॉन 10। अब अगला लिखेंगे जो कि 10 ओम और 30 वोल्ट बैटरी सोर्स के लिए है, तो कैसे लिख सकते हैं, VA प्लस से कहाँ जा रहे हैं माइनस, तो माइनस 30, और कहाँ कौन से नोड पे जाके ख़त्म हो रहा है, ग्राउंड पे, तो माइनस 0, और पूरे के अपॉन में उस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 ओम। यहाँ पर से तीन ब्रांच निकल रहे थे और ये हम लोगों के तीन करंट हो गए। और कोई इनकमिंग वाला बचा है, नहीं बचा है तो उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों को VA वाले टर्म को एक साथ लिखना होगा और VB वाले टर्म को एक साथ, तो लिख सकते हैं VA को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/5, 1/10, फिर 1/10। उसके बाद VB वाले टर्म को देखेंगे तो एक ही है, माइनस VB अपॉन 5, और ये 30/10 है जो कि माइनस साइन के साथ है, ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस में हो जाएगा और इसका वैल्यू हम लोगों को कितना मिलेगा, 3। अब हम लोग इसको कैलसी से देख लेते हैं, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, तो कितना होगा सॉल्व करने के बाद लिख लेते हैं, 0.4 VA माइनस 0.2 VB इज इक्वल टू 3। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर हमारा नोड ए के लिए इक्वेशन ख़त्म होता है। तो अब हम लोग आगे नोड बी के लिए इक्वेशन लिखेंगे जो कि इस प्रकार है। जब नोड बी के लिए लिखेंगे तो सबसे बड़ा वोल्टेज कौन सा हो जाएगा, VB, और इसमें मैंने VB के कारण करंट का डायरेक्शन बना लिया है। इस 5 ओम में बी से आउटगोइंग है और इस 5 ओम में बी से आउटगोइंग है, और इसमें मैंने करंट का डायरेक्शन क्यों नहीं बताया, क्योंकि इसमें एरो से पता चल रहा है कि करंट का डायरेक्शन पहले से दिया हुआ है। तो अब आइए हम लोग इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। इसके लिए इक्वेशन हो जाएगा सबसे पहले 5 ओम के लिए जो कि नोड बी और ए के बीच में जुड़ा हुआ है, तो कॉपी में सबसे पहले इक्वल साइन बना लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड आउटगोइंग ब्रांच को लिखेंगे, राइट हैंड साइड इनकमिंग ब्रांच को लिखेंगे। तो 5 ओम हमारा आउटगोइंग ब्रांच है जो कि नोड ए और बी के बीच में जुड़ा हुआ है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, VB माइनस VA अपॉन क्या हो जाएगा, 5। और आगे इस 5 ओम वाले के लिए देखेंगे जो कि नोड बी और ग्राउंड के बीच में जुड़ा है, तो VB माइनस 0 अपॉन 5। अब इस 12 एम्पियर के लिए देखेंगे जो कि नोड बी के लिए इनकमिंग है, तो कौन से साइड लिखेंगे, राइट हैंड साइड। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, तो सभी टर्म को अरेंज करके लिखेंगे। कैसे अरेंज करके लिखेंगे, सबसे पहले VA वाले टर्म को माइनस VA अपॉन 5, फिर VB वाले टर्म को तो 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 12। अब इसकी वैल्यू तो सब जानते हैं, 1 अपॉन 5 की वैल्यू 0.2 VA प्लस 0.4 VB इज इक्वल टू 12।
ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कैलकुलेटर की हेल्प से क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे और VA और VB की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो आइए करते हैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व। अब इन दोनों इक्वेशन को कैलसी से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मोड बटन दबाएंगे, फिर जो 5 नंबर है वो हमारा क्या है, इक्वेशन है। इस इक्वेशन में दो अननोन है, VA और VB, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। अब वैल्यू पुट करते हैं 0.4, फिर -0.2 और फिर लास्ट में 3, फिर आगे -0.2, फिर 0.4, फिर आगे लास्ट में 12। तो हम लोगों को VA और VB की वैल्यू मिल जाएगा। तो VA का वैल्यू कितना मिला, 30 वोल्ट। अब VB की वैल्यू देख लेते हैं, तो VB की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 वोल्ट। अब हम लोग देखेंगे VA और VB की वैल्यू में कौन सा वैल्यू बड़ा है। VB का वैल्यू बड़ा है, VA का वैल्यू छोटा है, तो करंट कहां से कहां की ओर फ्लो होगा, पॉइंट B से पॉइंट ए की ओर। क्यों, क्योंकि VB का मान बड़ा है, VA का मान छोटा है। तो करंट हम लोग 5 ओम में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, VB माइनस VA अपॉन 5, तो कितना हो जाएगा, 45 माइनस 30 अपॉन 5, तो ये कितना आ जाएगा, 15 बाई 5, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 एम्पियर। तो हम लोगों को इस 5 ओम में करंट का वैल्यू कितना पता चल गया, 3 एम्पियर। थैंक यू। आज का क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और ज़्यादा मैं मेहनत कर सकूं और अच्छे से अच्छे इलेक्ट्रिकल के वीडियो बना सकूं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।